नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल केपी सिंह ब्लॉगर। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे चांद बावड़ी की। चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा ज़िले के अभनेरी गाँव में स्थित है। ये आगरा और जयपुर हाईवे के ये गांव स्थित है। चांद बावड़ी कहा जाता है कि राजा मिहिर भोज ने इसका निर्माण कराया था। राजा मिहिर भोज का एक दूसरा नाम जो था वो चांद भी था, इन्हीं के नाम पे इसका बावड़ी का नाम रखा गया चांद बावड़ी। और कुछ ऐसी किंवदंती भी यहाँ प्रचलित हैं, जैसे कहा जाता है कि इतनी बड़ी बावड़ी को एक इंसानों द्वारा निर्माण करना मुश्किल है, तो इसे जिन्नों ने बनाया आके। चांद बावड़ी लगभग 100 फीट से 200 फीट गहरा है और इसमें 35,000 से भी ज़्यादा सीढ़ियां हैं। तो ठीक है, चांद बावड़ी काफ़ी सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं। इसमें गहराई जो इसकी है वो लगभग 100 फीट से ज़्यादा है, 100 से 200 फीट के अप्रॉक्स में है। तो ठीक है, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। मेहंदीपुर बालाजी से चांद बावड़ी होते हुए बांदी कोई जगह से जाने के लिए टिकट है एक आदमी का। हाँ हाँ भाई, पहले नहीं था, पहले बनाए टिकट कम थी। हम देख के आए बाबू जी, इसमें अंदर कुआ बहुत गहराई है। अच्छा, नीचे तक उतर जाना पड़ता है, उतरने का रास्ता है? ना ना ना, उतरने का रास्ता है पर उतरने नहीं थे बाबू जी। हमें अब क्या होता है, ऊपर से देखते हैं। पानी गिरने का डर लगता है बाबू जी, ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखते, इसमें गहराई बहुत है बाबू जी। 200 किलोमीटर अंदर, 200 मीटर, हाँ, इतना 100 किलोमीटर तो अंदर पानी चुभा ने। 200 मीटर होगा ना? हाँ, 200 मीटर, हाँ 200 मीटर होगा। हाँ 200 मीटर होगा। वो जिंदन की बनाई हुई बावड़ी है बाबू जी। हाँ, जिंद ने बनाई, जिंद पहले के समय में जिंदन ने बनाई है सब बावड़ी। हाँ, तालाब बावड़ी बड़े बड़े बनाए हैं आदमी पे बने। अंजनी माता मंदिर अच्छा यही पीछे था रास्ते में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे घूमेंगे। हाँ बालाजी मंदिर। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, हम लोग इस समय अभनेरी चांद बावड़ी की तरफ जा रहे हैं और रोड के किनारे ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर कारीगरी करके रखी गई है, काफ़ी अच्छी नक्काशी से बने हुए छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ, जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी कलाकारी है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जब भी आप बालाजी महाराज के दर्शन करने आए, चांद बावड़ी अभनेरी जरूर जाएं। ये बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी है। हाँ जी, बाणगंगा पानी बरसे जब आता है।
आज हम लोग चांद बावड़ी आए हैं, आभा नेरी चांद बावड़ी। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग चांद बावड़ी में अंदर की तरफ आते हुए, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ चांद बावड़ी। आप देखिए ये चांद बावड़ी का व्यू। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ चांद बावड़ी, और ये देखिए काफ़ी गहरा है। आप ये देख सकते हैं कितने सारे स्टेप इसमें बने हुए हैं, इसको स्टेप वॉल भी बोलते हैं। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए काफ़ी गहराई है इसकी, अप्रॉक्स 200 फीट होगी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा है, ये नीचे जाना अलाउ नहीं है, चारों तरफ से बंद किया गया है। ये आप देख सकते हैं चांद बावड़ी, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, काफ़ी गहरी बावड़ी है ये, 200 मीटर नीचे दिख रही है अप्रॉक्स में, पर ये बंद पड़ी हुई है, यहाँ नीचे जाना मना है। फिर भी मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने चांद बावड़ी का। बेटा कहाँ आए हो, ये कौन सी जगह है बेटा? ये चांद बावड़ी है। कौन जगह है? इधर देखिए, कौन सी जगह है? चांद बावड़ी। इस समय चांद बावड़ी में लेके आया हूँ, ये मेरे पीछे चांद बावड़ी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य है चांद बावड़ी का, और आप इसकी कलाकारी नक्काशी देखिए काफ़ी सुंदर है चांद बावड़ी।